बहुत सारे आप लोगों के पास मैसेज आते होंगे आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया जाएगा। अब एनपीए करना है तो कर दो भाई, अब आपका कोई रोक तो सकता है नहीं। लेकिन ये एनपीए है क्या, कैसे काम करता है, क्यों एनपीए से आपको डराना चाहते हैं और क्यों आपको एनपीए से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, और आप इस एनपीए से बच कैसे सकते हैं। एनपीए से बचने का मतलब है कोर्ट में केस होने से बचना। किस तरीके से आप बच सकते हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, एंड सेकंड दर सेकंड इस वीडियो को अगर आप 10 मिनट तक देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। ये एनपीए का फुल फॉर्म है, एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट क्या होता है और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, पहले छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिए, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपके लिए कमाऊकूत है वो है एसेट, और कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए खर्चा लेकर आती है वो है लाइबिलिटी। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा एसेट्स है वो उतना ही अधिक अमीर होता है, और जिसके पास जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है वो उतना ही अधिक गरीब होता है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, मोस्टली ये आपके लिए लाइबिलिटीज़ होते हैं। कार खरीद ली, बंगला खरीद लिया, कोठी खरीद ली, ये लाइबिलिटीज़ होते हैं। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपने कार खरीदी। अब कार खरीदने वाले दो तरह की कैटेगरी में होते हैं, एक तो वो होता है जो कार खरीदता है और उसे किराए पर चला देता है। तो कार ने क्या किया, आपके लिए कार पैसे कमाने का जरिया है, तो यही कार आपके लिए एसेट है। लेकिन इसी कार को मैंने खरीद कर मेरे खुद के घर के लिए रख लिया, क्योंकि मैं हूँ बिंदास किस्म का इंसान, घर वालों को घुमाता हूँ मैं, घूमता हूँ, ऑफिस जाता हूँ मैं कार से, क्योंकि लोग देखेंगे तो बोलेंगे वाओ कितना कूल है ये। लेकिन ये कार आपके लिए पैसे कमाती नहीं है, बल्कि आपके पॉकेट से ही पैसे निकलवाती है। तो ये है लाइबिलिटीज़। ज़्यादातर लोगों के लिए कार लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि वो आपकी तनख्वाह के पैसे से खर्चा मांगती है, एसेट बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी अगर आप कार खरीदना चाहते हैं और अगर बहुत अधिक आप अमीर नहीं हैं, तो मेरा सुझाव यही है कि आप उसे कमाऊकूत बनाइए। अब बैंक आपको जो पैसा देता है, बैंक के लिए वो पैसे एसेट्स होते हैं। किस तरीके से, बैंक ने आपको 2 लाख रुपये दिए, वो 2 लाख रुपये बैंक के लिए इंटरेस्ट कमा रहे हैं, पेनल्टी कमा रहे हैं, ये सारे चार्जेस जो है बैंक के खाते हमारे, बैंक को 2 लाख रुपये 1 लाख एक्स्ट्रा कमा कर देते हैं। तो बैंक के लिए वो पैसे होते हैं एसेट। लेकिन ये एसेट कभी कभी परफॉर्म करना बंद कर देता है। कब कर देता है, बैंक ने आपको 2 लाख रुपये दिए, आपने अब उनकी ईएमआई देना बंद कर दिया, आपने वो पैसे चुकाने बंद कर दिए, काफ़ी समय हो गया, 3 महीने हो गए, 3 महीने तक भी अगर आपने उनके पैसे नहीं दिए तो बैंक ऐसा मानता है कि अब ये 2 लाख रुपये हमारे लिए और अधिक पैसा कमा कर नहीं ला सकता। तो बैंक इसे क्लासीफाई करता है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी हमारा वो एसेट अब जिसने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, अब इससे हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। एनपीए होने के बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास एक राइट आ जाता है, एक अधिकार आ जाता है, और वो अधिकार ये है कि वो लीगल वे में आपके खिलाफ केस कर सकता है और केस कर आपसे पैसे लेने की कोशिश कर सकता है। केस किस तरीके का, ज़्यादातर केस 2 स्थिति में होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में अगर आपने ECS ऑन कर रखा है, नेच इनेबल कर रखा है, तो वहाँ 3 EMIs बाउंस होने के बाद आपके अकाउंट को NPA घोषित किया जा सकता है। कई बार वो लोग 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीने तक भी वेट कर लेते हैं और उसे NPA डिक्लेयर नहीं करते हैं, क्योंकि NPA डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि वो बेसिकली लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमारा पैसा मार्केट में डूब गया है, और इसकी वजह से अब जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी मार्केट में जो लोग हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, और बहुत अधिक संभावना है कि वो बैंक, वो NBFC कंपनी हो सकता है कि पूरी तरीके से बैठ जाए, बंद ही हो जाए, इसलिए वो जल्दी NPA करते नहीं है। लेकिन 90 डेज़ के बाद उनके पास एक राइट जरूर आ जाता है, तो अगर वो चाहे तो 90 डेज़ के बाद आपके ऊपर एक केस कर सकते हैं। किस तरीके का केस, अगर आपका ECS बाउंस हो रहा है तो अंडर सेक्शन 25 ECS बाउंस का केस कर सकते हैं। अगर आपने कोई चेक दे रखा था तो वहाँ चेक देने पर वो अंडर सेक्शन 138 आपके ऊपर चेक बाउंस का केस भी कर सकते हैं। चेक आप जब देते हैं तो वहाँ 2 तरीके के चेक आप देते हैं। एक आप देते हैं कैंसिल चेक, वो होता है आपके KYC के लिए, यानी कि नो योर कस्टमर, उसके ऊपर कोई केस नहीं होता है। तो अगर आपने वो चेक दे रखा है तो बिंदास रहिए, कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ब्लैंक चेक्स दे रखे हैं,
पोस्ट डेटेड चेक्स दे रखे हैं, तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर अगर वो बाउंस होता है, बाउंस होने के बाद भी आपको मौका दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर एक चेक बाउंस का केस किया जा सकता है। मिनिमम 14 डेज, मैक्सिमम 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो एनपीए आपको समझ में आ गया, क्या एनपीए होता है, एनपीए किस तरीके से करते हैं और एनपीए होने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अब अगर आपके ऊपर केस हो गया है तो अब आपको एक एडवोकेट को लेना होगा, बेल करानी होगी, केस फाइट करना होगा, खर्चा आपका बढ़ गया। इसलिए आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपका अकाउंट एनपी न हो। लेकिन अगर हो ही गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मैं एश्योरेंस देना चाहूँगा कि इतनी जल्दी एनपीए करते नहीं है, अगर करते हैं तो आपको केस फाइट करना पड़ेगा, फांसी पर नहीं चढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। या तो जुर्माने के तौर पर आपको डबल राशि देनी पड़ेगी या फिर सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा बहुत ही कम लोगों को मैंने देखा है, तो जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उससे पहले आप चाहे तो बैंक के साथ बात कर सकते हैं, सेटलमेंट की बात कर लीजिए। अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो, पूरे पैसे हैं तो दे दीजिए, अगर पैसे नहीं है तो सेटलमेंट की बात कर लीजिए। आजकल 20-30% में भी बैंक वाले सेटलमेंट कर देते हैं, क्योंकि वो भी लंबे लंबे समय तक केस नहीं लड़ना चाहते, और फिर आपके शहर में आप अकेले तो है नहीं, कितने सारे लोगों के ऊपर केस हुआ होगा, कितने सारे लोग हैं जो डिफॉल्टर से, इन सब के ऊपर केस करना उन लोगों के लिए संभव नहीं है। और वैसे भी ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये पैसे यूं ही वेस्ट जल्दी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी केस कई लोगों के ऊपर हुआ है, होता है, हो सकता है, इसलिए नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तो अगर हो सकता है तो आप इनके पैसे दे दीजिए, सेटलमेंट करवा लीजिए, और ये केस इन आदि चीज़ों और केस इन चीज़ों के चक्कर में पड़े ही नहीं। अब अगला सवाल यह है कि आप एनपीए से कैसे बचे, आपके पास पैसे नहीं है और आप ये भी नहीं चाहते कि आप कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़े, तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है, ये ट्रिक है, लेकिन ध्यान रखिए कि ट्रिक लंबे समय तक काम हो सकता नहीं करे, लेकिन फिर भी लगातार 3 महीने तक अगर आपका ECS बाउंस हो रहा है तो वहाँ आपका अकाउंट एनपी में जा सकता है। तो आपको करना क्या है, 2 महीने तक ECS बाउंस होने के बाद 3rd महीने में आप एक पेमेंट कर दीजिए, फिर 2 महीने के बाद आप एक पेमेंट कर दीजिए, तो कंजेकेटिवली लगातार 3 महीने तक अगर आपका बाउंस नहीं हो रहा है तो वैसी कंडीशन में हो सकता है कि वो एनपी में नहीं डाले और आप एनपी से कुछ समय के लिए बच जाएं। लेकिन ये ट्रिक बहुत लंबे समय तक यूज़ में नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए किसी के 10 करोड़ का लोन है और वो ये खेल खेलता रहा तो आप समझ ही पा रहे हो ना कितना लंबा समय लग जाएगा। तो इस तरीके की ट्रिक बस ट्रिक ही होती है, लेकिन हाँ आप कुछ समय तक के लिए इसे एनपी होने से बचा सकते हैं। बाकी आपकी जो भी तनख्वाह आती है सटीक तरीके से आप उसे खर्च कीजिए, सटीक तरीके से बचत कीजिए, और जितनी जल्दी हो सकता है गेट आउट ऑफ दिस लॉन्ग ट्रैप। जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पर क्लिक करना है, इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अगर आपको लोन से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, आपके पास कोई रिकॉल नोटिस आ गया है, कोई डिमांड नोटिस आ गया है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, आपके ऊपर कोई केस हो गया है, आपके सिटी के बाहर हो गया है, होने वाला है, कोर्ट का समन आ गया है, या बेल चाहिए, किसी भी तरीके की अगर आपको कोई भी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप हाई लिखकर भेज दीजिए। हाई लिखकर भेजने के बाद आपको ऑटोमेटिक स्टेप्स मिलेंगे, और उसके बाद अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप मुझसे तुरंत ही कनेक्ट हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को भेज दीजिए। बाय बाय।